इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हाल ही में भारत और इसराइल के जो टॉप डिप्लोमैट्स हैं इन्होंने ये कहा है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग में कि भारत यूनाइटेड अरब एमीरेट्स और इसराइल इन तीनों देशों का ट्रेड आने वाले नौ साल में दो तक मतलब 110 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है दिस इज अज अमाउंट इंडियन रुपीज में आप समझ लीजिए कि हम यहां पे बात कर रहे हैं आठ लाख करोड़ रुपए की और अगर ऐसा हो जाता है तो इंडिया के लिए मैं आपको यह बता रहा हूं कि यूएई, इजराइल प्राइमरली वेस्ट एशिया चाइना से भी कई गुना जरा इंपॉर्टेंट हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ ट्रेड और ये स्टेटमेंट देखो इतनी बड़ी है कि द हिंदू द इकोनॉमिक टाइम्स सारे न्यूज आउटलेट्स इसको कवर कर रहे हैं क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी काफी हद तक दिख रही है ऑलरेडी इसकी नींव रख दी जा चुकी है बिकॉज ऑफ इब्राहिम रिकॉर्ड रेलवे नेटवर्क पूछेंगे अच्छा तो बस ट्रेड ही इंक्रीज होगा कुछ यहाँ पे पैट की बात हो सकती है ट्रीटी की बात देखिए बिल्कुल ये काफी हद तक एक पॉसिबिलिटी है जो इसराइल के ऑनवे है टू इंडिया इन्होंने अक्टूबर 2020 में यह स्टेटमेंट दी थी कि बिल्कुल एक्सलेंट पॉसिबिलिटी है कि बहुत ही जल्द आपको भारत इसराइल और यू के बीच में एक ट्राइलेटरल वेस्ट एशिया में बनता हुआ दिखे हो सकता है कि एक ट्रेड पैक्ट हम साइन करें जिसमें तीनों कंट्रीज में आपस में अगर ट्रेड होता है तो टैरिफ काफी कम लगेगा इंपोर्ट ड्यूटी काफी कम लगेगी और यह भारत के एक्सपोर्ट्स के लिए भारत की इकोनॉमी के लिए हो सकता है एक बहुत बड़ा बूस्ट नाव आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं जो बेसिक्स हैं ये क्लियर हो जाए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किन देशों की इंडिया यहाँ पे है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और यहाँ पे है इसराइल अगर हम बात करें आबादी की इसराइल की आबादी है अराउंड नाइन्टी वन लाख यूएई की आबादी है अराउंड नाइन्टी एट लाख इंडिया ऑफ वन हंड्रेड एंड थर्टी करोड़ इंडिया का जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है ये चेंज होता रहता है फ्रॉम यूएस टू चाइना हर कुछ सालों में चेंज होता है मगर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हमेशा आपको दिखेगा यहाँ पर थर्ड या फिर फोर्थ स्पॉट पर बहुत ही लंबे समय से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एक बहुत ही बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है भारत के लिए और दोनों कंट्रीज़ का जो टोटल ट्रेड है ये है अराउंड सिक्सटी बिलियन डॉलर इसमें देखो जो एक्सपोर्ट है इंडिया का टू यू ये कभी तीस बिलियन होता है कभी ट्वेंटी बिलियन के आसपास ट्रेड ओवरऑल आप अगर सोच कर देखें तो काफी हद तक इवन है ज्यादा उसमें कोई डिफरेंस है नहीं ट्रेड इंबैलेंस ज्यादा आपको मिलेगा नहीं बिटवीन इंडिया एंड यूएई और फिर अगर हम बात करें इंडिया और इसराइल की तो दोनों कंट्रीज का जो ट्रेड है ये काफी कम है कंपेयर टू इंडिया यूए ट्रेड सिर्फ 5 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड है बिटवीन इंडिया एंड इसराइल और फिर यहां पे आप पूछना चाहेंगे अच्छा इजराइल और यूएई का ट्रेड क्या है देखो ऑब्वियस ही बात है अभी हाल ही में तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने एक्सेप्ट uh, किया है इसराइल का वजूद तो अभी तो हमारे पास डेटा आना बाकी है ये ट्रेड करेंगे तो अभी मैं कोई आपको एग्जैक्ट कोई प्रॉपर फिगर कोट कर नहीं सकता मगर आप सोच कर देखिए अभी के लिए जो ट्रेड है तीनों कंट्रीज़ के बीच में रफली आप कह लीजिए मैक्सिमम है अराउंड सिक्सटी एट टू सिक्सटी नाइन बिलियन डॉलर्स ये ऑलमोस्ट डबल हो सकता है टू वन हंड्रेड एंड टेन बिलियन डॉलर्स इन द कमिंग नाइन ईयर्स और इंडिया प्राइमरली इसराइल और यू को एक्सपोर्ट करता क्या है देखिए काफ़ी हद तक सेम चीज़ें ही हैं जेम स्टोन्स हम काफ़ी एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ पर प्रीशियस मेटल्स हो गए उसके अलावा जो ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं उसकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है भारत में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इंडिया मैनुफैक्चर कर रहा है इन द फ्यूचर आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हम और ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे एज एप्पल और वेरियस और जो कंपनीज़ है सैमसंग ये अपना जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है ये इंडिया में एक्सपैंड कर रही है और ज़रा मैन्युफैक्चर कर रही है ये कंपनीज़ इन इंडिया उसके अलावा ऑफ कोर्स मेडिकल इक्विपमेंट प्लास्टिक्स व्हीकल्स महिंद्रा की गाड़ियां होती हैं टाटा की गाड़ियां ये काफ़ी हम एक्सपोर्ट करते हैं फिर मशीनरी तो ये सब चीज़ें हैं ये हम काफ़ी हद तक एक्सपोर्ट करते हैं टू इज़राइल एंड यू और आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट ये जो सारी आइटम्स हैं ये जनरेट करती हैं इम्प्लॉयमेंट तो भविष्य में इंडिया जितना एक्सपोर्ट करेगा इज़राइल और यूएई को उतना ही हमारे देश में रोजगार भी बढ़ेगा ना यहाँ पे एक क्वेश्चन सामने ये आ सकता है कि ऑल राइट तो ये काफ़ी तक एक पॉसिबिलिटी है इज़राइल लिटरली इस पूरे कॉन्सेप्ट को लीड कर रहा है जो इज़राइल के राजदूत हैं इंडिया में वो ये भी कह रहे हैं कि बहुत जल्द हम एक ट्रायलेटरल पैक्ट भी साइन करेंगे एक ट्रायट्रल मीटिंग भी हुआ करेगी यूएई इजराइल और इंडिया की ट्रेड के इशू को लेकर मगर क्या इंडिया की तरफ से ये रीजन इंपॉर्टेंट है क्या हमारे पास लुक ईस्ट की तरह या फिर एक्ट ईस्ट की तरह लुक वेस्ट की फॉरेन पॉलिसी है तो इसका आंसर है जी हाँ बिल्कुल है हाल ही में जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर ऑफ स्टेट गडकरी जी हैं यूनियन मिनिस्टर वीके सिंह जी हैं यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन्होंने हाल ही में यह कहा है कि वेस्ट एशिया वेस्ट एशिया बाय द वे बाई रीजन होता है ठीक है ये है यहां पे वेस्ट एशिया ये यहां पे हो गया ईस्ट एशिया आपको पता होगा कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंडर इंडिया काफी हद तक काम कर रहा है इन कंट्रीज के साथ चाइना को छोड़ के चाइना हमारा एक्ट ईस्ट में आता नहीं है बाकी आसियान देश हैं साउथ कोरिया है जापान है ये सब जो देश हैं इनके साथ हम कॉपरेशन बढ़ा रहे हैं जो लुक वेस्ट एशिया पॉलिसी है ना इस पर एक्चुअली हमने कभी प्रॉपरली काम किया नहीं इवन दो स्टेटमेंट्स काफ़ी आई हैं कि वेस्ट एशिया हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसका सेंट्रल पिलर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है मगर देखो इंडिया ने कभी भी लुक वेस्ट एशिया पॉलिसी पर प्रॉपर कमिटमेंट के साथ काम नहीं किया जो ये आइडिया है ना कि लुक वेस्ट एशिया पॉलिसी होनी चाहिए ये आइडिया था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का इन्होंने इसको शुरू किया था दो में मगर ये एक डॉक्यूमेंट सा बन के रह गया था ग्राउंड लेवल पर कभी कुछ काम इसका हुआ नहीं फिर हमने देखा है कि 2014 में पीएम मोदी ने एक स्टेटमेंट दी थी कि अब टाइम आ चुका है कि इंडिया लिंक करे वेस्ट एशिया को इंडियन इकोनॉमी से मगर ये भी काफी हद तक एक स्टेटमेंट ही थी इंडिया ने कभी भी बढ़ चढ़ के वेस्ट एशिया में ज्यादा जो अपनी एंगेजमेंट है बढ़ाई नहीं और इसका रीज़न भी है रीज़न देखो यहाँ पर सिंपल है वेस्ट एशिया में बहुत सारी राइवलरीज हैं कंट्रीज हैं जो एक दूसरे के अगेंस्ट हैं फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया का इशू ईरान के साथ फिर इसराइल का इशू है बहुत सारी कंट्रीज के साथ तो इंडिया ने कभी भी अगर ये सोचा कि ठीक है इसराइल के साथ ट्रेड बढ़ाते हैं या फिर यहाँ पर एक ग्रुप बनाते हैं तीन कंट्रीज का फोर कंट्रीज का आपस में ट्रेड करेंगे टैरिफ काफी हद तक कम कर देंगे ये कभी प्रॉपरली हो नहीं पाया क्योंकि जब भी हम ये सोचते थे कि ठीक है जराइल के साथ रिलेशन इंप्रूव करते हैं यहाँ पर ट्रेड और बढ़ाते हैं हमें डर ये था कि यहाँ पर सऊदी अरेबिया यू बाकी जो यहाँ पर देश है ये नाराज ना हो जाए हमारे जो रिलेशन है इन देशों के साथ ये खराब ना हो जाए तो इसलिए इंडिया ने कभी भी लुक वेस्ट एशिया की जो पॉलिसी है इसको प्रोपरली यूज नहीं किया मगर फिर आए डोनाल्ड ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप के अंदर जो एब्राहम हैं जिसके अंदर काफ़ी हद तक पीस हो चुका है कई अरब कंट्रीज और इसराइल के बीच में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारत के लिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले यह इंश्योर किया कि यहाँ पर यू उसके अलावा बहरीन और सुडान कई जो यहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज हैं जो इसराइल को एक्सेप्ट तक नहीं करती थी ये आज के समय इसराइल को एक्सेप्ट करें इनके साथ ट्रेड करें और इससे भारत के लिए खुल गई हैं बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज कि क्यों ना हम यहाँ पर यूएई का इस्तेमाल करके इसराइल के साथ ट्रेड काफी हद तक बढ़ा दें पहले तो ये डर था कि जो सऊदी अरेबिया है बुरा मान जाएगा यूए बुरा मान जाएगा मगर अब ये देश खुद ही काफी हद तक इसराइल की तरफ बढ़ रहे हैं ट्रेड के लिए तो इंडिया के लिए ये किसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी से कम है नहीं अब यहाँ पे आप कह सकते हैं अच्छा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स तो यहाँ पे हो गया इसराइल है ऑल द वे यहाँ पर फिर रास्ते में कई देश हैं जो आज भी इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करते तो इंडिया यू का यूज करके इसराइल के साथ ट्रेड कैसे बढ़ाएगा देखो ये मैं आपको बता दू कि जब से इब्राहम अकॉर्ड साइन हुए हैं इसराइल के जो गुड्स हैं ये अब आराम से मूव कर सकते हैं थ्रू हाईवे फ्रॉम सऊदी अरेबिया टू इवन यू ए बारेन बाकी जो कंट्रीज हैं यहाँ पर हाँ जो यहाँ के नागरिक हैं इनको यहाँ पर ट्रेवल करने में प्रॉब्लम आती है मगर जब से एब्राहम अकॉर्ड डोनाल्ड ट्रंप ने साइन करवाए हैं तब से हमने ओवरऑल देखा है कि यहाँ पर ट्रेड करना काफी हद तक आसान हो गया है और अभी के लिए बातचीत ये चल रही है कि बहुत ही जल्द एक रेलवे नेटवर्क कंस्ट्रक्ट किया जाएगा बिटवीन इसराइल और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यहाँ पे आप देखोगे एक्चुअली ये जो रेलवे नेटवर्क है ये जोड़ेगा इसराइल के हाइफा पोर्ट यहाँ पे आप, आप देखेंगे ये है इसराइल का हाइफा पोर्ट इसको ये जोड़ेगा सऊदी अरेबिया के अल जुबेल से और उसके बाद ये जो रेलवे नेटवर्क है ये यूएई तक भी पहुंचेगा तो बहुत ही जल्द ये लोग इसराइल से प्रॉपरली जुड़ने वाले हैं विद रेलवे नेटवर्क तो इसका फायदा इंडिया उठा सकता है हमको सिंपली यहां पर क्या करना होगा कि जो शिपमेंट है ये पहुंचानी है यूएई तक उसके बाद बहुत ही आसानी से थ्रू रेलवे ये जो गुड्स हैं जो भी हमको एक्सपोर्ट करना है इसराइल को या फिर इवन बियॉन्ड कुछ एक्सपोर्ट करना है उसे हम कर सकते हैं एक्सपोर्ट बहुत कम टैरिफ पे करके अभी के लिए देखो भारत को अगर कुछ एक्सपोर्ट करना है यूरोप को तो उसका रास्ता क्या होता है यहाँ से आप देखोगे इंडिया से निकली यहाँ पर शिप यहाँ पे गुजरी फ्रॉम रेड सी और फिर यहाँ पर पहुंचेगी यूरोप में ये अपने आप में काफी लंबा रास्ता है और यहाँ पे हम काफी हद तक डिपेंडेंट हैं सुएज कैनाल पे जो हाल ही में चोक हो गया था मैं ये नहीं कह रहा कि फिर से चोक होगा मगर इसमें हम काफी हद तक डिपेंडेंट हैं ऑन सुय कैनाल अब इसका एक सोल्यूशन हम ये निकाल रहे हैं कि चाबार पोर्ट जो ईरान में आपको मिलेगा इसको हम डेवलप करेंगे फिर यहाँ से हम जा सकते हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज तक उसके बाद रशिया को रीच करके हम पहुँच सकते हैं यूरोप में अब देखो तीसरा रास्ता हमारे लिए यहाँ पर यह खुल जाएगा कि सीधा हमको यहाँ पर जाना है यू में उसके बाद थ्रू ट्रेन जो भी हमको एक्सपोर्ट करना है टू टर्की टू इटली टू फ्रांस स्पेन ये हम कर सकते हैं थ्रू इसराइल इसराइल की इम्पोर्टेंस मैं आपको ये बता दूं कि अगर ये प्रोजेक्ट पर प्रॉपरली काम हो गया तो इसराइल की जो इंपॉर्टेंस है भारत के ट्रेड में ये बहुत ही ज़रा बढ़ जाएगी इसराइल एक तरीके से इंडिया का एक ट्रांजिट हब बन जाएगा यूरोप तक पहुंचने के लिए और ये बिल्कुल काफी तक पॉसिबल है भारत और इसराइल के जो टॉप डिप्लोमेट्स हैं ये यहाँ पर 110 बिलियन का जो आंकड़ा है ये ऐसे नहीं बोलेंगे इसके पीछे जेनुअन रीजंस हैं और जो इसका ग्राउंड वर्क है जो इसकी फाउंडेशन है ये डोनाल्ड ट्रम्प ने ऑलरेडी रख दी है अब बस उस पर हमको काम है आगे थैंक यू फॉर ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल